नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपने सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए इस कोरोना की जंग में भारत सरकार और सभी देशवासियों की तरह एक एक कदम आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप जितने भी लोग जुड़े हैं वह एक निश्चित गति के साथ अपने निश्चित लक्ष्यों की तरफ आगे भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपको YouTube पर बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पढ़ाते हैं और अच्छे टीचर भी हैं, जानदार शानदार हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ईमानदार टीचर हूँ, मैं जो भी पढ़ाता हूँ ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग भी उसी ईमानदारी के साथ हमारा साथ देंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और हम अपनी तरफ से आपको जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वह उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, विद यू फॉर यू ऑलवेज। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी क्लास के, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में बात की थी बाल्यावस्था की, शैशवावस्था की बात की थी, उससे पहले विकास की बात की थी, मनोवैज्ञानिक विकास की बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं शैशवावस्था के बाद दूसरे चरण की, जिसे कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का साधारण जो इम्पैक्ट होता है वह 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का माना जाता है। अब इस 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्थाओं को जब हम एक विभाजन की दृष्टि से देखते हैं तो कई सारे विभाजन इसमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कई सारे विभाजन मतलब कई सारे मनोवैज्ञानिकों के विभाजन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला विभाजन मिलता है काल्सनिक का। काल्सनिक, इन्होंने पहला विभाजन किया था और इन्होंने अपने विभाजन में 3 भागों में इसे विभाजित किया था। पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था और तीसरा मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, तो यह विभाजन जो इनका था, काल्सनिक के विभाजन की हम बात कर रहे हैं, यह विभाजन जो इनका था, यह पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने 2.5 से 5 वर्ष, उत्तर मध्य बाल्यावस्था को 5 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था को 9 से 12 वर्ष में विभाजित किया था। यह इनका विभाजन काल्सनिक का था। काल्सनिक के विभाजन के पश्चात आए रॉस। रॉस ने कहा, नहीं भैया, आपका विभाजन जो है वो सही है, लेकिन यह 3 विभाजन का क्रम जो है, यह क्रम थोड़ा सा और अलग है। और उन्होंने 2.5 से 5 वर्ष पे एक रोक लगाते हुए कहा कि पहली अवस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष की होती है, दूसरी अवस्था 6 से 9 वर्ष की होती है और तीसरी अवस्था 9 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, अब इस अवस्था के आगे जब इसी में एक अन्य मनोवैज्ञानिक आए जिसका नाम था अर्नेस्ट जोन्स ने भी इसको 3 भागों में बांटा। अर्नेस्ट जोन्स ने कहा कि भैया किशोरावस्था और बाल्यावस्था यह दोनों समान रूप से चलते रहते हैं, परंतु जब इसका वर्ग विभाजन किया जाता है तो 3 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष और 10 से 13 वर्ष का होता है और इस 13 वर्ष के बाद टीन एज यानी कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो यह बेसिकली बाल्यावस्था के विभाजन को न महत्व देकर और किसे विभाजन दे रहे थे, किशोरावस्था को विभाजन दे रहे थे, किशोरावस्था को महत्वपूर्ण मान रहे थे। लेकिन हमें जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, बाल्यावस्था पढ़ना है। तो इन ऐसे सभी मनोवैज्ञानिकों के एक निश्चित आधार को पकड़ के अगर हम जब चलते हैं तो ना ही हमारे लिए काल्सनिक उपयुक्त होते हैं और ना ही हमारे लिए जोन्स उपयुक्त होते हैं। हमारे लिए उपयुक्तता होती है रॉस की विभाजन शैली। रॉस की विभाजन शैली 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष, जो कि हमारे इस कालक्रम को
पूरी तरीके से व्यवस्थित कर देती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस काल विभाजन के बाद से कि एक चीज़ इसमें क्लियर है कि बाल्यावस्था मुख्यतः तीन भाग में विभाजित होती है, तीन भाग में विभाजित होती है। यह तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था, और जिसका कालक्रम है 3 से 6 वर्ष। दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, जिसका कालक्रम है 6 से 9 वर्ष। और तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जिसका कालक्रम है 9 से 12 वर्ष। और इस प्रकार से हम इन तीन भागों में विभाजित कर लेते हैं इसको। अब बात करते हैं हम कि इस अवस्था के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है इसके बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है, आप लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा, यह आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्या क्या कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हरलाक, मैडम हरलाक की। एलिजाबेथ हरलाक ने कहा है कि यह यौनिक परिपक्वता की अवस्था होती है, यौनिक परिपक्वता की अवस्था होती है, अवस्था होती है। और ये कौन कह रहा है? मैडम हरलाक कह रही हैं यौनिक परिपक्वता की अवस्था होती है। क्यों यौनिक परिपक्वता की अवस्था होती है? क्योंकि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों में यौन परिपक्वता दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है हालिंग बर्थ के अनुसार। हालिंग बर्थ क्या कहते हैं? हालिंग बर्थ कहते हैं कि यह अवस्था मुख्यतः बौद्धिक बाधा की अवस्था है, बौद्धिक बाधा की अवस्था है, बौद्धिक बाधा की अवस्था है। अब देखिए बौद्धिक बाधा से मतलब आ रही है क्या कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी कुछ बालक देखता है उसमें कहीं ना कहीं उसे कन्फ्यूजन की स्थिति में बालक रहता है, इसलिए इसे बौद्धिक बाधा की अवस्था कहा है। प्रोफेसर ब्लेयर एक इंग्लिश प्रोफेसर थे, इन्होंने बालकों को इस अवस्था को शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह अवस्था शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अवस्था में बालकों को जो सीखना होता है वो बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, और इस सीखने की तीव्रता के कारण ही इस अवस्था को सर्वाधिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है। बालकों की इसी विशेषता के कारण इस अवस्था को मिथ्या अवस्था भी कहा गया है, इसे कुछ मनोवैज्ञानिक निर्माणकारी अवस्था कहते हैं। मैं पहले भी बताया था इसे कि कुछ मनोवैज्ञानिक इसे मिथ्या अवस्था, झूठी अवस्था, मिथ्या अवस्था, कुछ इसे निर्माणकारी अवस्था, निर्माणकारी काल कहते हैं, कुछ इसे समूह बनाने की अवस्था, समूह निर्माण की अवस्था, तथा कुछ मनोवैज्ञानिक इसे आदतीकरण की अवस्था कहते हैं। कहते हैं कि ये क्या है? आदतीकरण की अवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन मनोवैज्ञानिकों की चर्चा में हम ये बात करते हैं कि इस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है। मिथ्या अवस्था कहा जाता है, निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है, समूह निर्माण की अवस्था कहा जाता है, और आदतीकरण की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था
का जब हम सामाजिक दायरा इस अवस्था में काफ़ी तेजी से बढ़ता है तो इसी कारण बालकों में इस अवस्था में समूह निर्माण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब जब हम इस अवस्था का विभाजन करते हैं तो कई भागों में कई विकास के चरण इसमें विभाजित होते जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समूह से ही शुरुआत करते हैं, इसका प्रारंभ समूह से ही करते हैं और बात करते हैं कि समूह निर्माण की अवस्था के। तो समूह निर्माण, अब समूह निर्माण के लिए एक समूह चाहिए और उस समूह में क्या होता है कि एक बालक, दूसरा बालक, तीसरा बालक, ऐसे धीरे 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 करके क्या हो जाए, एक समूह का निर्माण हो जाए। अब समूह का निर्माण कहाँ होगा, घर में बैठ के तो समूह का निर्माण होगा नहीं, तो समूह का निर्माण होगा कहाँ, अलग अलग स्थानों पर, जैसे खेल के मैदान में, पार्क में, विद्यालय में, अलग अलग स्थानों पर समूह का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह सामूहिक निर्माण की बात आती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास और हम इसको कई भागों में विभाजित भी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बालकों के शारीरिक विकास से कि इसमें शारीरिक विकास कैसा होता है। शारीरिक विकास, ठीक है, जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है उसकी बात करते हैं। तो शारीरिक विकास में सबसे पहली बात नोट करते चलिएगा आप लोग, एक एक बात मैं जो बता रहा हूं इसको, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम और ये इतना ही कंपलसरी भी है आपके लिए। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आशा रखते हैं कि हमारे सभी मित्र, हमारे सभी भाई बहन इस कार्य को बहुत ही तत्परता के साथ करते जाएंगे और आप इसे नोट करके एक नोट्स भी बनाते जाएंगे। जो भी हमारे छात्र लॉकडाउन के बाद जब भी कोचिंग खुलेगा और आएंगे तो उनसे मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि आपने नोट्स बनाया है या नहीं बनाया है। जो लोग बनाए रहेंगे उनके लिए बहुत ही एक स्पेशल ऑफर मेरी तरफ से रहेगा, सो दैट आप लोग ज़रूर नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास में इस अवस्था में शैशवा अवस्था की अपेक्षा निम्न शारीरिक विकास होता है। शैशवा अवस्था की अपेक्षा निम्न शारीरिक विकास होता है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि अंगों का अनुपात सामान्य होता है, सामान्य होने लगता है अंगों का अनुपात। और यह अंगों के अनुपात सामान्य होने का कारण क्या होता है, क्योंकि हड्डियों में परिपक्वता आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन अवस्था से किस अवस्था में बालकों के हड्डियों में परिपक्वता आने लगती है, तो ध्यान रखिएगा यह कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, कि बाल्यावस्था में बालकों के हड्डियों में परिपक्वता यानी कि दृढ़ता आने लगती है, हड्डियों में परिपक्वता और दृढ़ता आने लगती है। इसके बाद से हम दूसरी बात करते हैं कि यह तो शारीरिक विकास की बात होती है, आगे बात करते हैं बालकों के मानसिक विकास के। मानसिक विकास कैसा होता है, इस अवस्था में बालकों में सोचने, समझने, चिंतन करने और समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। सोचने, समझने, चिंतन करने और समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को अभी हम लोग आगे जिन पियाजे में भी पढ़ेंगे और जिन पियाजे में वही चार अवस्थाओं का जो विभाजन पियाजे ने किया है उसी तार्किक आधार पर हम इनके विषय वस्तु को बांटेंगे भी, तो इसलिए महत्वपूर्ण कि हम यहां पे इन चीजों को समझते चले ताकि वहां पे हमारा समझना और आसान हो जाए। देखिए साइकोलॉजी कुल मिला के सिर्फ समझने की कला है कि एक दूसरे से लिंकअप हम कैसे कर सकते हैं चीजों को, यही एक साइकोलॉजी की कला है। या मैथ की तरह नंबर इसमें आता है, बस क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का कार्य हम कर रहे हैं और करना आपको है। मानसिक विकास की बात करते हैं तो मानसिक विकास में सबसे पहली बात आती है कि सोचना, समझना,
सोचना यानी कि चिंतन करना, ठीक है, सोचना समझना, सोचने समझने, जब सोचने समझने लगेगा तो क्या होने लगेगा, समस्या समाधान होने लगेगा, समस्या समाधान, समस्या समाधान एवं चिंतन करने, किसी भी चीज के बारे में सोचने की शक्ति, चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बालक, बालक में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वो होता है व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, एक ही लगातार क्वेश्चन पूछता जाता है, क्वेश्चन पूछता जाता है, जिसे हम साधारण अपनी भाषा में कहते हैं जिज्ञासा। तो बालकों में किसकी प्रवृत्ति विकसित होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस अवस्था में बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होती है, तो बाल्यावस्था में बालकों में क्या होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होती है। और इसी अवस्था में बालक का कल्पना शक्ति भी विकसित होने लगता है और सोचने लगता है, कल्पनात्मक विचार करने लगता है। अब देखिए, कल्पना का पूर्णतः विकास नहीं होता है, कल्पना की अवस्था नहीं है, कल्पना की अवस्था किशोरावस्था है, लेकिन कल्पना के विकास का प्रारंभ कहां से होता है, बाल्यावस्था से होता है। तो इस अवस्था में एक और कौन सी चीज होने लगेगी, कल्पना का विकास होने लगता है, कल्पना का विकास होने लगता है। तीसरी बात इसमें क्या होती है, शब्द भंडार, बालकों में क्या होने लगता है, शब्द भंडार की वृद्धि होने लगती है। देखिए, शब्द भंडार के बारे में हम बात करेंगे मैकार्थी की, ठीक है, मैकार्थी की बात करेंगे, जो मैकार्थी इसके बारे में बात करता है, जब हम शब्द विश्लेषण की बात करेंगे, शब्दों की बात करेंगे, आगे बढ़ के भाषा विचार जब हम पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में शब्द भंडारण की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि इस प्रकार हम दो विकास की बात किए, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। अब तीसरी बात हम लोग करेंगे, तीसरी बात करते हैं संवेगात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सॉरी, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग, बालकों में संवेगात्मक विकास, संवेग का विकास। अब इस संवेग का मतलब क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कोल एंड ब्रूस, कोल एंड ब्रूस, इन्होंने कहा है कि संवेगात्मक आधार पर बाल्यावस्था अनोखा काल है, अनोखा काल कहते हैं इसे। किस आधार पर, संवेगों के विकास के आधार पर बाल्यावस्था को कोल और ब्रूस ने क्या कहा है, अनोखा काल कहा है। अनोखा काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आते आते बालकों में उत्तेजना समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि शैशवावस्था में बालकों में संवेग का विकास किस प्रकार से होता है, तो शैशवावस्था में बालकों में संवेग का विकास उत्तेजना के आधार पे होता है। हम वॉटसन के सिद्धांत को वहां पे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, हम मैकलैंड के सिद्धांत को खत्म कर देंगे, वहां पे सिर्फ हम एक बात याद रखेंगे कि जन्म के समय बालकों में संवेग किस प्रकार का होता है, उत्तेजना के रूप में होता है। जब भी वो कोई उद्दीपक देखते हैं तो उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति बालकों में धीरे धीरे स्वतः विकसित होने लगती है और इसे ही उत्तेजना का प्रभावीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि संवेग कि इस अवस्था में क्या होता है, संवेगों का विकास होता है और उत्तेजना समाप्त होने लगती है, उत्तेजना समाप्त होने लगती है और बालकों में क्या होता है, संवेगिक विकास होने लगता है। अब संवेगों का विकास होता है तो दूसरी बात इसमें आती है कि बालक क्या करते हैं, संवेग नियंत्रण करना प्रारंभ करते हैं, संवेग नियंत्रण करना प्रारंभ करते हैं। और ये क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में बालकों में संवेग नियंत्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो बाल्यावस्था से बालकों में संवेग नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, ठीक है। आगे की बात करेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि किस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या और द्वेष का संवेग उत्पन्न हुआ है, तो इस किस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या और संवेग का
संवेग का संवेग उत्पन्न हुआ है तो वो क्या है, बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या एवं द्वेष का संवेग उत्पन्न होता है, तो बाल्यावस्था में बालकों में ईर्ष्या और संवेग का ईर्ष्या और द्वेष का संवेग उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास, तो दोस्तों सामाजिक विकास क्या है कि बालक का, जैसे हम मैडम मारिया मोंटेसरी की बात करें, तो मैडम मारिया मोंटेसरी ने कहा कि बालक का प्रथम समाज उसका परिवार है और प्रथम शिक्षिका उसकी माँ है। तो प्रथम परिवार क्या हो गया, प्रथम समाज क्या हो गया, परिवार हो गया, और परिवार में ही बालक का क्या होने लगता है, सामाजिकरण होने लगता है। जैसे कौन बुआ है, कौन दादी है, कौन मामा है, कौन मामी है, कौन नाना है, कौन नानी है, कौन चाचा है, कौन चाची है, भैया बाबू। आप देखते होंगे कि बच्चे, अगर घर के कई सारे बच्चे हैं, छोटा बच्चा है और उसके पिताजी को अंकल कह रहे हैं, तो बच्चा भी अपने पापा को क्या कहता है, अंकल कहता है। जब तक, कब तक, जब तक उसे समझ नहीं हो जाती तब तक अपने फादर को वो अंकल ही कहता है। फिर बाद में वो क्या होता है, फिर बाद में उसे डैड या पापा कहने लगता है। तो ये क्या होता है, ये सामाजिकरण का प्रभाव होता है। सामाजिकरण का प्रभाव बालकों पर क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी दिखाई देने लगता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास क्या होता है, समूह या समाज द्वारा व्यवहार सीखना। किसके कारण होता है, समूह या समाज के द्वारा व्यवहार सीखना क्या है, सामाजिक विकास है बालक का। दूसरी बात इसमें आती है कि समाज में जो भी मानक हैं उन मानकों को क्या करना, मानना, ठीक है। तो सामाजिक मानकों का पालन करना, ये दूसरी चीज होती है। तीसरी चीज में इसमें ये पाई जाती है, सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना। सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना, सामाजिक भूमिका का निर्वहन, और ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बस सीटेट में इसी चीज को पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था के सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो तीन चीजें ये विशेषता में होती है, क्या, समूह और समाज के व्यवहार को सीखना, सामाजिक मानकों का पालन करना, सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना। और इन्हीं तीनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बालकों का क्या करता है, यह इस प्रकार से बालकों में सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के इस चरणों के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो एक और बात हम कह सकते हैं कि बालकों का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बालक जो भी समाज में देखता है, जो भी समझता है और इसका भी उसके ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो बालक में उसी प्रकार के अधिगम की विशेषता भी पाई जाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालकों का सामाजिक विकास उनके अधिगम को प्रभावित करता है। और इसे कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि क्या बालकों का सामाजिक विकास उनके अधिगम को प्रभावित करता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बालकों का सामाजिक विकास उनके अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद से हम बात करते हैं बालकों में भाषा विकास की। देखिए, शैशवावस्था में हमने भाषा विकास की बात नहीं की थी, लेकिन इस अवस्था में हम भाषा विकास की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस अवस्था तक आते आते बालकों में पूर्णतया सामाजिक विकास हो जाता है और बालक अपनी बातों को अपने मुखीय माध्यम से, अपने मुख के द्वारा अपनी बातों को रखने लगते हैं, जिसके लिए उनमें भाषा की विशेषता आवश्यक होती है। चूंकि इस अवस्था में भाषा विकास की बात करें तो यह अवस्था क्या है, यह अवस्था प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था होती है।
और इसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस अवस्था को प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था कहते हैं, तो बाल्यावस्था को क्या कहेंगे, प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इस अवस्था में बालकों में भाषा विकास किस रूप में होता है। तो इस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास जो होता है वह स्वयं की आवश्यकताओं को संप्रेषित करने से संबंधित होता है, स्वयं की आवश्यकताओं को संप्रेषित करने से संबंधित होता है। जो भी उसकी आवश्यकता होती है उसे वो क्या करने लगता है, संप्रेषित करने लगता है। जैसे कि कई बार वस्तुओं को अलग अलग नाम से, जिस नाम से उसके माता पिता उसे सिखाते हैं, वो उसे उसी रूप में बोलता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो पानी, तो पानी को मम कहते हैं, मम। मम बोलना क्या है, बच्चे के लिए आसान है। तो माँ उसे अगर ये कहती है कि पानी को दो बार उसने मम बोला, तो बालक ने उसी को क्या सीख लिया, मम बोलना सीख लिया। कब तक, जब तक उसे उसके बारे में जानकारी नहीं हो जाती है तब तक। तो इस प्रकार बालकों में क्या होता है, एक उच्चारण की प्रवृत्ति आने लगती है। चूंकि अवस्था छोटी होती है और वागेंद्रियों में परिपक्वता नहीं पाई जाती है, परिपक्वता नहीं होती है वागेंद्रियों में, इस कारण बालकों में सुस्पष्ट उच्चारण नहीं उत्पन्न होता है। और यही कारण होता है कि बालकों में तुतलाना, हकलाना, बबलाना आदि चीजें पाई जाती हैं। अब बालकों में भाषा विकास सही समय समय के अनुरूप होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। भाषा एवं विचार जब हम पढ़ेंगे तो बालकों के भाषा विकास को हम वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होता है बालकों में क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। बच्चे खेलते हैं और उस खेल के दौरान बालकों में कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि बालक किस रूप में उन चीज़ों का विभाजन कर रहे हैं। इस अवस्था में बालक सृजनात्मकता में विशेष रुचि लेते हैं और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है तो इस 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक आते आते बालक और बालिकाओं का एक समूह विभाजन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लैंगिक आधार पर समूह का विभाजन। तो इस अवस्था में बालिकाओं में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि, सजना सवरना आदि के प्रति बालिकाओं में रुचि आती है। और बालकों में क्या होता है कि वस्तु संग्रह करना, खेलने की प्रवृत्ति, वस्तु संग्रह करने की प्रवृत्ति, और ये सारी चीजें जो होती हैं इस सृजनात्मकता का विकास इसी के अंतर्गत आती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वस्तु संग्रह। यह बालकों में सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी के द्वारा बालकों में यह एक प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ बालकों में आत्मनिर्भरता, अपना काम खुद करने की आत्मनिर्भरता, यह भी एक सृजनात्मकता की प्रवृत्ति होती है। जैसे क्या, जूते का लेस बांधना अपने आप में एक प्रवृत्ति होती है। तो यह एक प्रवृत्तियां होती हैं जिसे कहा जाता है कि क्या होता है, बालकों में इस प्रकार की प्रवृत्ति एक पाई जाती है। नैतिकता, इस अवस्था तक आते आते बालकों में एक नैतिकता का विकास होने लगता है। बालकों में अनुभव के आधार पर उनके आप स्वयं के सम्मान की वृद्धि होने लगती है, अनुभव के आधार पर। और इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना भी विकसित होने लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आज की इस क्लास में जो भी चर्चा किए हैं वह बाल्यावस्था से संबंधित चर्चा है, जो आपके सीटेट, यूपीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था की। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें। धन्यवाद।